कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भीलवाड़ा, टोंक और जयपुर के रामगंज में कर्फ्यू लगा रखा है और साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और इसी कड़ी में रामनवमी के अवसर पर जयपुर कमिश्नरेट के निर्भया स्क्वाड ने भी कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान निर्भया स्क्वाड का ये फ्लैग मार्च कमिश्नरेट से शुरू होकर चांदपोल, छोटी चौपड़, रामगंज समेत परकोटे के कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचा। वहीं 100 बाइक पर सवार 200 महिला पुलिस कर्मियों ने शहर के विभिन्न स्थानों की निगरानी करते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की। महिला स्क्वाड की जो ये निर्भया स्क्वाड की टीम है, इसमें लगभग 200 हमारे पास लेडी ऑफिसर्स हैं जो कि पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, जो कि मार्शल आर्ट और रिवॉल्वर और सारे हथियार इत्यादि चलाने में दक्ष हैं। इन लोगों को हमने स्मार्ट कॉप बनाया है जो कि खास तौर पर महिलाओं की, बुजुर्गों की और बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। ये पूरे जयपुर में तैनात हैं और पूरे जयपुर में लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। ये लोग न केवल घर घर जो जो भूखे हैं उन लोगों को खाना पहुंचाने का काम कर रही हैं, जो वृद्ध हैं वृद्धाश्रम में जा रही हैं और वहां जाकर उनसे कुशल क्षेम पूछने के साथ साथ ये भी कर रही हैं कि उनको अगर कहीं दवाइयों की ज़रूरत है या उन्हें किसी भी प्रकार की ज़रूरत है मदद की तो उन वृद्धाश्रम में जाकर उनकी मदद भी कर रही हैं। कर्फ्यू वाले एरिया में ये लोग फ्लैग मार्च करके संदेश देंगी कि हमने ली है जिम्मेदारी, हमने लिए है आपकी जिम्मेदारी, बस आप लोग अपना ख्याल रखना, हर जरूरतमंद के घर पे पहुंचेगी ये वर्दी, बस आप लोग घर से बाहर मत निकलना। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, देखिए बेहद सराहनीय कदम ये उठाया गया है महिला पुलिसकर्मियों की ओर से, क्योंकि जिस तरीके से वो जाकर कर्फ्यू ग्रस्त जो इलाके हैं वहां पहुंचकर लोगों को जागरूक करेंगी, लोगों से अपील करेंगी घरों में रहने की, बेहद सराहनीय कदम। किस प्रकार से ये फ्लैग मार्च निकाला गया? देखिए बिल्कुल मनीषा, ये फ्लैग मार्च है, ये बेसिकली कर्फ्यू जो क्षेत्र है जो चार दीवारी परकोटे में लगाया गया है वहां पर ये जो जयपुर कमिश्नरेट की जो महिला स्क्वाड की टीम है वो उसने निकाला है। और 40 जो टीम थी, 40 जो बाइक थी, 40 बाइक पर करीब 80 के करीब जो महिला स्क्वाड की टीम थी, जो गश्ती दल था, उन्होंने आज यहाँ पर ये कर्फ्यू निकाला है। और ये जयपुर कमिश्नरेट से इसकी शुरुआत हुई है, उसके बाद चांदपोल, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और रामगंज समेत पूरी चार दीवारी यानी जो 7 थाना क्षेत्र है वहां पर निकाला गया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेट्रोलिंग हो रही थी, कर्फ्यू लगाया गया है वहां पर, लगातार ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, तो उसी के चलते आज यहां पर 3 घंटे का ये फ्लैग मार्च था, ये महिला स्क्वाड की टीम ने निकाला था। यहां पर परमिशन ली थी यहां पर जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से और उनकी मंशा थी लोगों को जाकर के वो घर घर बताए और इस फ्लैग मार्च के जरिए एक अनूठा संदेश दें। और यही कुछ हुआ, कोरोना के प्रकोप जो बना हुआ है और लगातार जिस तरीके से रामगंज बाजार के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव की लगातार जो संख्या बढ़ रही है उसके चलते ये बहुत अहम, जरूरी, बहुत अहम माना जा रहा है इससे जो है ये फ्लैग मार्च, चुकी फ्लैग मार्च के साथ एक अनूठा संदेश दिया गया है कि आप लॉकडाउन की पालना करें और धारा 144 है उसको यहां पर आप उसकी पालना करें। और चूंकि अगर आप घरों से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस कोरोना की चपेट में आ सकते हैं, तो ऐसे में इस फ्लैग मार्च के जरिए जो तमाम जो महिलाएं थी, जो निर्भय स्क्वाड की टीम थी, वो लगातार बाइक पर सवार होकर के एक पोस्टर और स्लोगन के साथ में लगातार मैसेज देती आ रही थी। खास बात ये, पूरा करीब 3 घंटे तक ये फ्लैग मार्च हुआ है, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जो फ्लैग मार्च कर रही जो महिला स्क्वाड की टीम थी उन्होंने लगातार निगरानी रखी और मॉनिटरिंग करी। खास बात यह है कि लोगों को ये मौका घर से बाहर निकलने पे तो नहीं मिला, मगर जो छत पे जब ये लोग आए तो जो परिवार के जो लोग थे ये इन महिला स्क्वाड की जो टीम थी उसको देख करके इन्होंने दांतों तले उंगली दबाई और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी हुए हैं, ये इंस्पायर भी हुए हैं इस चीज के लेकर की महिलाएं जब सड़क पर निकली है तो कहीं ना कहीं एक अनूठा संदेश दे रही है, तो वो हमारे भले के लिए है कि घरों के अंदर कैद रहना है। और लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आपको घरों के अंदर कैद रहना है, आपको वहां पर लॉकडाउन का मतलब है कि आपको कोरोना से अपना बचाव करना है, तो ये एक अनूठा संदेश है। और मैं मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद देश के अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला स्क्वाड की कर्फ्यू जो क्षेत्र होता है
और बहुत संवेदनशील जो क्षेत्र होता है वहां पर ये पेट्रोलिंग कर रही है, लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। वाकई एक बहुत अनूठी पहल है जिसने एक सकारात्मक बिल्कुल 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 यादवेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये बहुत सराहनीय कदम महिला पुलिसकर्मियों की ओर से उठाया गया है। खुद उन्होंने कहा लोगों से कि हम आपकी जिम्मेदारी लेंगे, आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए।